पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मौजूदा कमेंटेटर स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम इंग्लैंड के खिलाफ अपना स्क्वाड शेयर कर दिया उन्होंने। यानी आप जानते होंगे चंद हफ्ते बाकी हैं पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड में। चलिए डिस्कस करते हैं इनका स्क्वाड। नंबर वन एज यूजुअल कैप्टन बाबर आजम लीड करेंगे। नंबर टू लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान। नंबर थ्री लेफ्ट हैंडेड ओपनर शजील खान। नंबर फोर यंग हैदर अली ओपनिंग बैट्समैन। नंबर फाइव मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन। नंबर सिक्स प्रोफेसर आर राउंडर मोहम्मद हफीज। नंबर सेवन एक्सपीरियंस मैन आर राउंडर शोएब मलिक। नंबर एट विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद। नंबर नाइन विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान। नंबर टेन आर राउंडर शदाब खान। नंबर इलेवन आर राउंडर इमाद वसीम। नंबर ट्वेल्व आर राउंडर मोहम्मद नवाज। नंबर थर्टीन आर राउंडर फहीम अशरफ। नंबर फोर्टीन बॉलिंग आर राउंडर हसन अली। नंबर फिफ्टीन फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी। नंबर सिक्सटीन एक्सपीरियंस मैन फास्ट बॉलर वहाब रियाज। नंबर सेवनटीन फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन। नंबर एटीन लेग स्पिनर उस्मान खादिर। नंबर नाइनटीन फास्ट बॉलर हारिस रऊफ। नंबर ट्वेंटी यंग फास्ट बॉलर शाहनवाज दानी। और लास्ट पे मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर के बारे में आप जानते होंगे, रिसेंटली आपके साथ सारी स्टेटमेंट्स मैंने शेयर की जिसमें साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ज़रूरत है इस वक्त, और T20 वर्ल्ड कप में आमिर के बग़ैर जाना बड़ी बेवकूफ़ी होगी। यानी इनके कहने का मकसद था कि पाकिस्तानी टीम यंग बॉलर्स पर मुश्तमिल है। इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट की जिसमें उन्होंने कहा कि आमिर जैसा बॉलर चाहिए जो कि लीड करें बॉलिंग अटैक को, क्योंकि यंग बॉलिंग अटैक बड़े मैचेस के अंदर और बड़े इवेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है, जहां आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। नो डाउट आमिर से ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई बॉलर है नहीं। सो इन्होंने बड़े इवेंट्स खेले हैं, बड़े मैचेस खेले हैं, ये अब ज़रूरत है और इनका टाइम है कि पाकिस्तानी टीम को अब मैचेस जितवाएं। और वसीम अकरम का भी यही कहना था। इस पर मैंने डिटेल से वीडियोज़ बनाई हैं, ऊपर मैं लिंक दे दूँगा आपको जहाँ पर क्लिक करेंगे आप और वो वीडियोज़ देख सकते हैं एज इट इज़ जैसे वसीम अकरम ने इनके बारे में कहा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ख़ुद भी कह चुके हैं कि मैं खेलना चाहता हूँ पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से खेलूँगा। नेक्स्ट उमर अकमल मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, ज़रूरत है पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर बैट्समैन की, जहाँ शोएब मलिक सिर्फ वाहिद मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। सो उमर अकमल एक नेक्स्ट चॉइस है, जहाँ इन्होंने 4.25 मिलियन जो इनका फ़ाइन था वो भी अदा कर दिया और अब इनका रिहैब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मगर इंग्लैंड के खिलाफ इनके चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में ये खेल सकते हैं और पाकिस्तानी टीम को इनकी ज़रूरत है। क्या इनको कमबैक करना चाहिए उमर अकमल को, कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।